मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास फोर्थ के SST का लेसन नंबर 1 शुरू किया था, जिसका नाम था इनक्रेडिबल इंडिया। इसमें हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब हम उसके जो आगे की रीडिंग है वो शुरू करेंगे। इंडिया थ्रू ऑफ द ब्रिटिश यॉक एंड बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है उन्होंने ब्रिटिशर को अपने देश से बाहर निकाला था और 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश था वो आज़ाद हो गया था। इट बिकम अ सेकुलर रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। हमारे देश में जो संविधान था वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली। इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है यूनियन टेरेटरीज है, और इन्हीं स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी में हमारे जो देश की राजधानी है दिल्ली वो भी आती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल द यूनियन टेरेटरी डायरेक्टली एंड द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर ओन स्टेट्स। अब यूनियन टेरेटरी में कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो स्टेट्स हैं उसकी वेलफेयर को कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान, और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? गोवा। द सेवन स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स। अब जो नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर हम देखें वहाँ पे जो सेवन स्टेट्स हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? सेवन सिस्टर। दीज आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब उन स्टेट्स के नाम क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा पॉइंट, और जो साउथर्न मोस्ट टिप है उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, और वो कहाँ लोकेट करती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हैं। इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड। उसमें क्या क्या आ जाता है? पहाड़ आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं, रेगिस्तान आ जाते हैं और आइलैंड्स आ जाते हैं। द हिमालय स्टैंडिंग एज अ वेलगन गार्ड स्ट्रेच ओवर द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब अगर हम नॉर्थ बॉर्डर की साइड देखें तो वहाँ पे हिमालय इस तरह से फैले हुए हैं जैसे कि कोई गार्ड हो। द नॉर्थन प्लेन आर वाटर्ड एंड मेड फर्टाइल बाय द रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। अब हम नॉर्थन प्लेन्स को देखें तो वहाँ पे जो पहाड़ हैं वहाँ से रिवर्स जो फ्लो करते हैं वो वहाँ की मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। टूवर्ड्स द वेस्ट लाए द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या लाए करता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इन द साउथ लाए द साउथर्न प्लेट्यू, और साउथ साइड में कौन लाए करता है? साउथर्न प्लेट्यू, और उसको हम किस नाम से भी बुलाते हैं? डेकन प्लेट्यू। इट इज़ बॉर्डर बाय द कोस्टल प्लेन इन द ईस्ट एंड वेस्ट, और वो ईस्ट और वेस्ट से किस से गिरा है? कोस्टल प्लेन से। इंडिया ऑल्सो हैव टू आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया में दो आइलैंड्स भी हैं, कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। इट इज़ एक्लेम्ड इन द वर्ल्ड फॉर इट्स रिच कल्चर। इंडिया को किसके लिए जाना जाता है? जो वहाँ का रिच कल्चर है उसके लिए जाना जाता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव बीन लिविंग हेयर इन पीस फॉर सेंचुरीज। यहाँ पे जो अलग अलग रिलीजन होने के कारण भी लोग शांति से यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। दस द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एप फॉर इंडिया। अब जो कंसेप्ट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो इंडिया के लिए बहुत सही कंसेप्ट साबित होता है। बच्चों, ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और जिसके क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको कल सेंड कर दूँगी। थैंक यू।